कल होने वाली जगन्नाथ यात्रा से पहले आज पुरी में कर्फ्यू, बिना श्रद्धालुओं के होगा आयोजन। महंगाई पर शिवराज के मंत्री का दार्शनिक अंदाज, बोले जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रेषा बंदला आज भरेंगे अंतरिक्ष के लिए उड़ान, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने दी जानकारी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी, आईएसआईएस से संबंध रखने के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, 2500 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ 4 गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पार समाचार। चमोली में किस दिन से प्रधान संगठन द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कुछ दिनों से धरने पर बैठे हैं। प्रधानों का कहना है कि सरकार ने ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के बजाय कमजोर करने का काम किया है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत के तमाम विकास की निधियों में कटौती कर दूसरे संस्थानों को दिए जाने के सरकार ने फरमान जारी किए हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रधानों का कहना है कि एक तरफ प्रधानों का मानदेय मात्र 1500 रुपए है और सीएससी सेंटरों को 2500 रुपए बेवजह दिए जाने का फरमान जारी किया है, जबकि प्रधान ही सब कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इसी तरह मनरेगा में कार्य दिवस और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग भी की है, वो भी बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई। दस जुलाई को प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर, जैसा कि चलता आ रहा है, आज नवे दिन में प्रधान संगठन का धरना प्रदर्शन और ब्लॉक तालाबंदी चलती रही और उसके बाद आज हमने प्रदेश सरकार और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे का पुतला दहन कार्यक्रम किया और निश्चित तौर पे सरकार यदि अभी नहीं जाती है तो हम आने वाले 12 जुलाई को प्रत्येक जनपदों में सिटी ऑफिस घेराव करेंगे और तब भी सरकार नहीं जाती उसके बाद हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। ये उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल का पहला दौरा है। इस दौरे के मद्देनजर आप कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है, दूसरे राज्यों को बेचता भी है, फिर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों दी जाती है। दिल्ली और अपनी बिजली नहीं बनाता, दूसरे राज्यों से खरीदता है, फिर भी दिल्ली में बिजली फ्री है। क्या उत्तराखंड वासियों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। कल देहरादून में मिलते हैं, इस तरह के वक्तव्य के साथ उन्होंने एक बार फिर देहरादून में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। तो हमारे सहयोगी इस खबर पर शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, उत्तराखंड में भी चुनाव है तो जहां जहां चुनाव है वहां वहां बिजली फ्री का नारा आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। कल देहरादून में मिलता हूं, उत्तराखंड वासियों से कह दिया है उन्होंने। चाहूंगा कि जिस तरह से ये अभी का बयान नहीं आया है, जब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरी थी तभी मनीष सिसोदिया ने कह दिया था कि जो दिल्ली मॉडल है उसी की तर्ज पर आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है और आम आदमी पार्टी इस बार पूरी मजबूती के साथ उत्तराखंड में जो चुनाव है उसकी तैयारियों को भी शुरू कर दिया है। जी, जिस तरह से बताना चाहेंगे आपको कि बिजली मुफ्त बिजली का जो इनका वादा है उत्तराखंड के वासियों से वो बहुत पहले ही वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है एसएन साहब उन्होंने भी कर दिया है। उनका भी यही कहना है कि जो हमारे सीएम है अरविंद केजरीवाल उन्होंने जो दिल्ली मॉडल की तर्ज पर दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त बिजली और तमाम तरीके की जो योजनाएं दिल्ली में लागू की गई हैं अगर वो वहाँ पे सरकार बनाते हैं तो उत्तराखंड में भी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 300 की जो यूनिट अगर बिजली आपकी आती है उससे कम आती है, उससे नीचे आती है तो मुफ्त बिजली, और 300 से ऊपर अगर आपकी बिजली आती है तो उसका कुछ जो है जितने ऊपर आएगी उसका चार्ज लिया जाएगा। तो जिस तरह से आप साफ जाहिर है कि उत्तराखंड में भी या फिर यूं कहें उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने का जो मन बना रही है, चाहे यहाँ पर संजय सिंह हो वो भी दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल के मॉडल की बात करते हैं, उसके बाद अब अचानक जो है उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ का जो दौरा है और कहा जा रहा है कि ये जो आज दौरा है उस दौरे में आज ये बहुत बड़ी बातें बहुत बड़े वादे कर सकते हैं उत्तराखंड के वासियों से। सीएम अरविंद केजरीवाल जो अपना प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस वार्ता से साफ जाहिर है कि जो 2022 का चुनाव है उसको साधेंगे। कितने दिन के दौरे पर जा रहे हैं, क्या इसकी कोई अपडेट और कौन कौन से कार्यक्रम इसके अलावा
जिसमें अरविंद केजरीवाल शिरकत करेंगे। शहबाज, 2 बजे करीब पहुंचेंगे एयरपोर्ट और वहां से मधुबना रवाना हो जाएंगे। उसके बाद 12 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, और 12:30 बजे, सॉरी माफ करिएगा, 12:30 बजे करीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो उनकी जो प्लानिंग है वो निर्धारित हो चुकी है कि साफ तौर पर वो विधानसभा के जो चुनाव है उसको लेकर कोई बहुत बड़ा वादा जो है उत्तराखंड के जो लोग हैं उनसे कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कोई भी बीजेपी के सामने टिका नहीं था, चाहे वो कांग्रेस हो या भी कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वो कहीं से भी बीजेपी को छू नहीं पाया था, क्योंकि 70 विधानसभा सीटों में अकेले 57 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है और जिस तरीके से लड़ने के लिए विधानसभा चुनाव के लिए लगातार उसकी तैयारियां हैं और जिस तरीके से वो वादे कर रही है, क्या इस वादे का असर पड़ता है, तो खैर आने वाले वक्त पर बताएगा। क्योंकि दिल्ली में इस वादे का, इस मॉडल का काफी तारीफ हुई, काफी सराहना हुई, और जिस आधार पर आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है वो इस वादे को ऐलान कर देती है, मुफ्त बिजली का और महिलाओं की, चाहे वो वहां पर मुफ्त यात्रा हो कोई भी हो कुछ, तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही है अरविंद केजरीवाल के आगमन को लेकर, किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का चुनाव से पहले का ये जो दौरा है वो काफी राजनीतिक माना जा रहा है, तो जिसको देखते हुए कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के काफी भव्य स्वागत की तैयारी कर ली है। और एयरपोर्ट पर भी आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता अभी से ही मौजूद है। एयरपोर्ट पर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि काफी संख्याओं में जो कार्यकर्ताओं का जो हजूम है वो पहुंच चुका है और अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है एयरपोर्ट के बाहर। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काफी, प्रदेश अध्यक्ष जो है वहाँ आम आदमी पार्टी के, वो भी उनके भी पहुंचने की संभावना है कि हो सकता है कि वो वहाँ पर उनका स्वागत कर सकते हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये दौरा है तो ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2022 में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, जिसको लेकर सक्रियता लगातार बाकी पार्टियों की भी दिख रही है, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी अपनी सक्रियता बनाना चाहती है और चुनाव नजदीक है तो फ्री बिजली का नारा भी एक बार फिर से जोरों शोरों से आम आदमी पार्टी के द्वारा बुलंद किया जा रहा है, जिसको लेकर ही सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारियां कर रखी है। और अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पे पहुंचकर लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे, और उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया बिजली का, क्योंकि उत्तराखंड में ही बिजली उत्पाद की जाती है, उसके बावजूद जिस तरह से लोगों को बिजली दरें महंगे दरों पर बिजली की देनी पड़ती है, तो उसको लेकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि बिजली फ्री रखेंगे, हालांकि उसके लिए भी मानक तय किए गए हैं, लेकिन फ्री बिजली का नारा 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितना ज़्यादा इसको लेकर कितना ज़्यादा प्रभावी होता है लोगों के ऊपर और लोग कितना विश्वास करते हैं, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। वहीं बढ़ते हैं आगे, शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित जिले के विभिन्न इंटर कॉलेजों का उद्घाटन किया। उन्होंने GIC चंपावत का वर्चुअली शुभारंभ किया, कहा कि इन विद्यालयों में अब आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसका सीधा लाभ गरीब परिवारों के लोगों को होगा। शिक्षा मंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज चौड़ा मेहता, राजकीय इंटर कॉलेज पाटी, राजकीय इंटर बालिका इंटर कॉलेज लोहा घाट, माफ कीजिएगा, लोहा घाट राजकीय इंटर कॉलेज बाराकोट का विधिवत शुभारंभ किया, जबकि राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत का वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि चयनित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के कारण अंग्रेजी शिक्षा मिलने से निर्धन परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। आपने हमने प्रभारी मंत्री आपने बनाया है, जहाँ जहाँ कमियाँ होगी हमने, युवा मुख्यमंत्री और मैं मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान हैं, ईमानदार हैं, और आपने देखा होगा कि देखो हमारी सरकार बनते ही हमने बयान नहीं, हमारे गेस्ट टीचर हैं, आप समझ सकते हो उस महंगाई के दौर में 15,000 रुपये में परिवार चलाना बहुत कठिन काम होता है, हमने प्रस्ताव रखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रस्ताव पर 1 सेकेंड में तत्काल प्रत्येक गेस्ट टीचर को 15,000 से हमने 25,000 वेतन का निर्णय लिया। ये अपने आप में छोटा निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है। मैं गेस्ट टीचरों को बहुत
पौड़ी के समस्त न्यायालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 78 वादों का निस्तारण किया गया। रुद्रप्रयाग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली की कीमतों को कम करने व 300 यूनिट बिजली फ्री कराने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए, उत्तराखंड सरकार से शीघ्र बिजली सस्ती एवं माफ करने की मांग की। आपके संगठन मंत्री राकेश नेगी के नेतृत्व में विजयनगर से अगस्त मुनि तथा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राकेश नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा राज भाजपा ने किया है, लेकिन भाजपा ने ही सबसे ज्यादा महंगाई को बढ़ावा दिया, साथ ही प्रदेश को लूटा है। आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के द्वारा पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ बिजली मुफ्त करने के संबंध में आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया। और जिस प्रकार से उत्तराखंड की अधिकतर नदियों में बांध बने हुए हैं, यहाँ बिजली तैयार की जाती है और उत्तराखंड वासियों को ही यह जो बिजली की दरें हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में दी जा रही हैं, जो कि बहुत ही चमोली जिले के जोशीमठ के तपोवन घाटी में स्थित हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। आक्रोशित मजदूरों ने कंपनी के गेट पर NTPC और उसकी कार्यदायी संस्था HCC कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कंपनी के गेट पर धरना दिया। मजदूरों का कहना है कि ऋषि गंगा तपोवन में 7 फरवरी को आई भीषण आपदा के बाद कंपनी द्वारा अपने मजदूरों का वेतन नहीं दिया गया, जिससे मजदूर भुखमरी के कगार पर है। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि HCC कंपनी द्वारा बिना बताए उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। जब इस मामले पर कंपनी के अधिकारियों से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो कंपनी के अधिकारी कैमरे से बसते नजर आए। किसान बिल्कुल अनदेखी किया जा रहा है। जब से 7 सितंबर को आपदा आई तपोवन घाटी में, और उस दिन से रेस्क्यू में ये वर्कर लगे हुए हैं, लाशों को निकालने में, टनल को खाली करने में यही वर्कर कार्यरत थे। और आज पांचवा माह बीत जाने पे है, 10 तारीख हो चुकी है। कंपनी द्वारा हमारा 2 साल का बोनस और पांच महीने का वेतन और बिना सूचना दिए हुए रात को 7:30 बजे कंपनी मैनेजमेंट द्वारा सूचना पट पे सूचना लगाया जाता है कि सबको निष्कासित किया गया। और लोग दूर दूर से आए हुए हैं, कई बाहर से हैं, उन लोगों को खाने की प्रॉब्लम है, जाने की प्रॉब्लम है। धनौरी में पुरानी गंग नहर में 12 से ज्यादा मगरमच्छ के बच्चे दिखने से हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा सूचना वन विभाग और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने रेस्क्यू कर सभी मगरमच्छ को पकड़कर चिड़ियाघर भेज दिया है। वन क्षेत्र अधिकारी मयंक कुमार गर्ग ने बताया कि सिंचाई विभाग को पुरानी गंग नहर की सफाई करने के लिए कहा है, सफाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने जो हमारा चिड़ियापुर में वन्य जीव पुनर्वास केंद्र है, वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है, डॉक्टर साहब हैं वहाँ पर, तो इन्हें उनकी सुरक्षा में लेके जाया जा रहा है। और जो भी उनके द्वारा मतलब आगे की प्रोसेस होगी वो नियमानुसार जो भी कार्यवाही होती है उनके द्वारा की जाएगी। देखिए, इसके रेस्क्यू के लिए हमने ये जो है, ये एरिया जो है गंग नहर का एरिया है, और इस गंग नहर में बहुत, क्योंकि ये बंद है तो इसमें बहुत सारा कूड़ा एकत्र हो गया है, तो इसकी सफाई के लिए सिंचाई विभाग से संपर्क किया गया है। तो जैसे ही इस बारे में अब और चर्चा इनसे की जाएगी, सिंचाई विभाग से की जाएगी, जिससे कूड़ा साफ हो सके। कूड़ा साफ होने के बाद जो भी इसमें मगरमच्छ जैसे भी कभी नरम यादा या जो भी कोई दिखाई देता है तो उसका रेस्क्यू। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम TV।